अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मीनल एक ते वड्डा हादसा वापर गया जिस दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई है। दरअसल मीह कारण टर्मीनल की छत हेठा खड़े वाहनों से डिगे जिस नाल कुछ लोग फस गए। यह हादसा सवेरे 5 बजे वापरिया। जानकारी अनुसार दिल्ली फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची तो लोड़ी कार्रवाई शुरू कर दी। इस हादसे हुण तक एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है तो 8 लोग जख्मी हो गए हैं। प्राप्त जानकारी अनुसार दिल्ली फायर सर्विस ने सारे बचा के हस्पताल पहुंचाया। दिल्ली फायर सर्विसिज के एक अधिकारी ने दसाया कि दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मीनल एक से छत डिग गई। फायर ब्रिगेड दी 3 गड्डियां मौके पर भेजा गया। हुण तक हादसे का कारण मीह कारण छत का डिगना दसाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स मुताबक छत की चादर का एक हिस्सा उन्होंने सहारा देने वाली कुछ लोहे दी बीमा के नाल डिग गया। यह मलबा टर्मीनल च खड़िया कारा टैक्सियों से डिग गया जिस कारण उन्होंने बैठे कुछ लोग फस गए। अधिकारियों ने दसाया कि छत दिया चादर तो इलावा स्पोर्ट्स बीम भी डिग गए जिस नाल टर्मीनल के पिकअप और ड्रॉप खेतर च खड़िया कारा नुकसान पहुंचा। इस हादसे दी तस्वीरां भी सामने आईयां ने। This, 2009 and in yes, 15 years yes. It has collapsed. Like you have said, this structure has been built in 2009. And we have asked the DIAL, Delhi International Airport Limited also, is to do a verification inspection from their side. But we are not just leaving it up to themselves. The ministry, from the ministry we have DGCA also, which underlooks the safety aspect. So they will also be supervisioning this inspection. And they will also give us a report. And from our ministry side, I can assure you that this is taken as a very serious incident also, not just in this airport, but across the country, any airports that are with similar structures, we will have to go through them all again. And we will do a thorough checking of all the necessary airports that can come under our purview. And we will take the necessary report. And we will see if there is a requirement for an independent body also. Any compensation for the compensation. Compensation has also been announced, 20 lakh for the deceased and also for the injured, 3 lakhs. अच्छा, ओपोजिशन पार्टी ये आरोप लगा रहा है कि जल्दबाजी में यहाँ पर इनॉग्रेशन किया गया था। इसके बारे में मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं कि जो प्रधानमंत्री साहब जो इनॉग्रेट किया वो दूसरा बिल्डिंग है, दूसरी तरफ है। जो यहाँ कोलैप्स हुआ है वो 2009 में पुरानी बिल्डिंग है, 2009 में जो उस टाइम ओपन हुआ था, तो उसके ऊपर जो इंस्पेक्शन करना है वो अभी करवाएंगे। सर, विजुअल देखने में लग रहा है कि जो अंदर का आयरन बार से वो रस्टेड है, साफ दिखाई दे रहा है, उनपे पेंट भी नहीं है, तो इतनी लापरवाही कैसे थी? हमें अब तुरंत हम कमेंट नहीं कर सकते, इसके ऊपर तो थरो इन्वेस्टिगेशन होना है। और जो टेक्निकल एस्पेक्ट, जो फोरेंसिक या सिक्योरिटी एस्पेक्ट जो देखते हैं बिल्डिंग का, वो सब अपना रिपोर्ट देंगे, तो उसके हिसाब से हम। ये गवर्नमेंट का इतना तो मैं बता सकता हूँ, दिस गवर्नमेंट विल नॉट टॉलरेट एनी अनटुवर्ड एटीट्यूड। अगर कहीं पे कुछ लापरवाही रहेगी तो ये सरकार जरूर। बट व्हाट इज योर असेसमेंट, व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड दिस कोलैप्स? दैट हैज टू बी, आई जस्ट गॉट टू नो इन द मॉर्निंग, एंड सिंस देन वी हैव बीन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांटेड नो कैजुअलिटीज टू हैपन, एंड ऑल द इंजर्ड इफ एनी ऑफ देम, देन वी वांटेड टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ देम। सो वी आर फॉलोइंग दैट प्रोटोकॉल दैट वी लुक आफ्टर द इंजर्ड फर्स्ट एंड ऑल्सो द पैसेंजर्स, हूएवर आर सपोज टू बी ट्रेवलिंग फ्रॉम हियर, वी वांटेड टू गिव देम assurance and safety and also the convenience of traveling again. So that aspect we are taking care of right now. Any technical incidents that you are referring to will all be commented. Sir, T1 operational kab se hoga? After the report comes. T1 kab se operational hone ki umeed hai? T1 kal tak hum puri tarah se inspection karwayenge. Abhi to pura evacuate kar diya hai, koi aadmi nahi hai andar, to pura building ka inspection puri tarah se hoga, uske liye thoda time lenge, to isliye jab tak ye band hai abhi T2 aur T3 se unke ऑपरेशंस चालू होंगे। राष्ट्रव्यापी अब ऑडिट भी इस तरह के मेजर एयरपोर्ट जहाँ है, मैंने बोला है कि बाकी जगहों पे भी जहाँ पे इस तरह के स्ट्रक्चर्स होंगे उसके ऊपर भी एक बार देखेंगे, क्योंकि मॉनसून का भी टाइम है, तो जरूर सेफ्टी के हिसाब से वो निर्णय भी हम करेंगे। सर, एक सीरियस कंसर्न ये है कि कोई तूफान नहीं आया था, बारिश थी, प्री मॉनसून बारिश थी। वही टेक्निकल बिल्डिंग के बारे में जो भी बातें होंगे, लेट द इन्वेस्टिगेशन कमिटी डू देयर थिंग, एंड वंस द रिपोर्ट कम्स आई विल गिव यू अ क्लैरिटी। कमिटी का हिस्सा है, कौन कौन सी अथॉरिटीज हैं? अभी देख रहे हैं इंडिपेंडेंट बॉडी कौन सा निर्णय करे, और हमारी तरफ से जो इंटरनल सिक्योरिटी और सेफ्टी का जो दिखता है, डीजीसीए
that will be part will of airport be airport operator will be held liable for this lapses let us see what the report says jo bhi report kahegi uske hisab se wo karenge subscribe to one india channel and never miss an update